और हम कोशिश करेंगे पार्टिकल इन अ बॉक्स तक जाए, फिर कोशिश करेंगे कि हम उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस कहीं से भी हो सकते हैं, ये आपको नेट प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, गेट प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, तो हम थोड़ी सी इसी डायरेक्शन में काम करते हैं। तो पहली बात, स्क्रोडिंगर इक्वेशन को अगर हम ड्राइव करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमको चाहिए वो है स्टैंडिंग वेव इक्वेशन। और जब भी हम स्टैंडिंग वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो स्टैंडिंग वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जो यहां पर वेलोसिटी है वो फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का, और डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन होने के साथ साथ जैसे हम उसको सॉल्व करेंगे तो उसको एक वेव फंक्शन के प्रोडक्ट में और एक कोस ओमेगा टी के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। लिखने को हम साइन ओमेगा टी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों ही पीरियोडिक फंक्शंस हैं तो हमने इतना नहीं सोचना है। बस अभी समझ लीजिए कि इसका कॉस ओमेगा टू एक सॉल्यूशन है। तो अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा वो चीज अब हम समझेंगे। ठीक है, मैं इसको पूरे को मिटा देता हूं क्योंकि मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए। ठीक है, तो अगर हम डी यू बाय डी एक्स सॉल्व करेंगे तो इसमें कोई चेंज आना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम वेव फंक्शन के टर्म्स में कर रहे हैं तो कोस ओमेगा टी ही आएगा, और डेल स्क्वायर बाय डेल यू स्क्वायर के टर्म्स में सॉल्व करेंगे तो ये सेम ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं आएगा। चेंज इसमें तब आएगा जब हम इसको डेल यू बाय डेल टी के टर्म्स में सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये शाय एक्स ऐसे ही रहेगा और ये साइन ओमेगा टी बनेगा बट विद माइनस साइन, और ओमेगा भी हमारे साथ में आएगा। दूसरी बार करेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा वो, ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, शाय एक्स यहां पर है ही, ठीक है, और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर डेल टी स्क्वायर। जब हम इसको इसमें डालेंगे, इस इक्वेशंस में पुट करेंगे तो ये वाली साइड जो है ये हमारी ऐसे ही रहेगी, ये इस तरीके से सॉल्व करके, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, अब हमें जानना है ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई बाय लैम्डा, और स्पीड जो है वो फ्रिक्वेंसी वर्सेस लैम्डा का प्रोडक्ट होती है। ठीक है, तो अगर हम ओमेगा बाय वी का अगर हम रेशियो निकालेंगे, ठीक है, ओमेगा इज सॉरी टू पाई बाय म्यू फ्रिक्वेंसी, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो ओमेगा बाय मी इज इक्वल टू वी लैम्डा, म्यू से म्यू कट गया तो ये टू बाय लैम्डा होगा, और टू पाई बाय लैम्डा इसलिए यहां पर फोर पाई लैम्डा स्क्वायर है। फिर डी ब्रोगली वेव, फिर हमें जो डी ब्रोगली वेव इक्वेशन है वो क्या बोलते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी, पी इज इक्वल टू एम वी, और एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय टू एम। ये इन इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर हमें ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय टू, पी स्क्वायर बाय टू एम वी एक्स आ जाएगा। ठीक है, और हम जैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, लैम्डा को इसकी टर्म्स में अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा पी भी हम निकाल सकते हैं, लैम्डा भी निकाल सकते हैं, और अगर हम लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे यहां से, ठीक है, हम मतलब ये रीअरेंजमेंट है और हमें ये सॉल्व करना है। यही एक यही इक्वेशन जो है यही हमारी स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है। ठीक है, तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या है हमारी, डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस फोर पाई स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर बाय शाई एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये भी है और ये इसका एनर्जी फॉर्म है, ये इसकी वेवलेंथ फॉर्म है, ये इसकी एनर्जी की फॉर्म है। इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें एक सिंपल सी इक्वेशंस मिलेगी, वो है ये एच स्क्वायर अपॉन टू एम डेल शाई स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स शाई एक्स ई इंटू शाई एक्स। ये बेसिकली आइगन वैल्यू इक्वेशन है। आइगन वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम किसी ऑपरेटर को एक फंक्शन पे ऑपरेट करते हैं तो अगर वो आइगन वैल्यू और सेम फंक्शन रिटर्न करे तो
हम इसको बोलते हैं आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। तो अब हमें इसको किसके लिए सॉल्व करना है, पार्टिकल इन ए 1D बॉक्स के लिए। तो पार्टिकल इन ए 1D बॉक्स कैसा होता है, पार्टिकल जो बाउंड्रीज के बाहर इनफाइनाइट पोटेंशियल फील करे और पार्टिकल इसके अंदर जीरो पोटेंशियल करे। तो हमारी इक्वेशन जो पिछली इक्वेशंस थी वो इस टर्म्स में थी, ठीक है। तो अगर हम इसमें लेट्स से वी इज इक्वल टू जीरो पुट कर दें तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एच स्क्वायर बाय 2m डेल शाई स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, ई शाई एक्स। तो ये हो गया, इसको इस तरफ ले आएंगे तो यहां पर लेकर जाएंगे 2m और एच स्क्वायर को, तो डी स्क्वायर शाई स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस 2me। ठीक है, थोड़ा राइटिंग को मैं, क्योंकि अभी अभी जस्ट मैंने स्टाइलस पेन इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही, लेकिन तब तक के लिए मैं वीडियो नहीं रोक सकता। एच स्क्वायर शाई एक्स, यहां पर भी एक्स है, ठीक है, इज इक्वल टू वॉट इट इज, इट शुड बी जीरो। तो हमें इसके, ये हमें एक कॉन्स्टेंट मिला है, ठीक है। अब कमाल की बात होती है, अगर हम ऐसे इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम इसको मान लेते हैं डेल शाई स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू शाई एक्स के रिस्पेक्ट में हमें सॉल्व करना है। तो पहली चीज ये समझ लीजिए कि तीन जगहों पे हमारा वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर इनफाइनाइट पोटेंशियल है तो पार्टिकल इससे बाहर जा ही नहीं सकता, तो उसके वेव फंक्शन जीरो होंगे ही, इसके बाहर वेव फंक्शन जीरो होना ही है। सिर्फ इस पे जीरो नहीं होगा, इन बाउंड्रीज पे भी जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि यही हमारी बाउंड्री कंडीशन है। इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। तो अगर हम बाउंड्री कंडीशन के लिए सॉल्व करेंगे तो के टर्म्स में, अगर के की बात हम मान रहे हैं, तो हमारी ये इक्वेशन दो इसमें सॉल्व हो जाएगी, शाई एक्स इज इक्वल टू कॉस के एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो हम इसमें पहली वैल्यू पुट करते हैं, अगर शाई जीरो है तो के कॉस के जीरो प्लस बी साइन के जीरो, ठीक है। तो देखो साइन जीरो तो जीरो होता ही है, ठीक है, तो बी का जीरो होना जरूरी नहीं है, बी कैन बी ए नॉर्मल क्वांटिटी, बट कॉस के इज जीरो, नहीं कॉस के इज नॉट ए जीरो, इट्स ए डेफिनेट क्वांटिटी, सो इट्स ए शुड बी जीरो। तो हम ये वाला जो टर्म है इसको जीरो मान सकते हैं, और नेक्स्ट अगर हम ए के लिए सॉल्व करेंगे तो बी साइन के ए इज इक्वल टू जीरो। तो ये कंडीशन बी साइन के ए इज इक्वल टू जीरो, ये तभी वैलिड है जब के ए इज इक्वल टू एन पाई हो, के इज इक्वल टू क्या हो, एन पाई हो, और एन की वैल्यूज क्या रहेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर हम एन इसमें रखेंगे और इसकी वैल्यू इस इक्वेशन से निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि के हमारा क्या है, के इज बेसिकली नाउ एन पाई बाय ए, तो हमारी एनर्जी क्या आएगी, एनर्जी आएगी ई इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर 8ma2, ठीक है। ए क्या है, ए यहां से यहां तक की बॉक्स लेंथ है, ठीक है। तो हम एनर्जी को दिखा पा रहे हैं कि एनर्जी हमारी क्या है, क्वांटाइज्ड है। तो फ्री पार्टिकल जो है इनसाइड द वॉल, जो इनफाइनाइट पोटेंशियल वॉल है, उसमें कोई भी पोटेंशियल महसूस नहीं करता है, लेकिन उसके बाहर इनफाइनाइट पोटेंशियल महसूस करता है, इसलिए वेव फंक्शंस जो है जीरो होते हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन की बात की थी, तो क्वेश्चन क्या है कि हमें ब्यूटाडाइन का फर्स्ट एक्साइटेशन निकालना है। ब्यूटाडाइन का अगर हम फर्स्ट एक्साइटेशन निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, पहले ब्यूटाडाइन लिख लेते हैं, कार्बन कार्बन, अभी मैंने सेक ऑफ सिंपलिसिटी के लिए हाइड्रोजन हटा दिए हैं। तो देखिए इसमें हमारे पास में दो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है, एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ है, और ध्यान रखिए कार्बन की एटॉमिक रेडियस भी हमको लेनी पड़ेगी, तो दो कार्बन की एटॉमिक रेडियस, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 578। तुमको ये वैल्यूज मिलती हैं, ठीक है,
तो अगर इसकी वैल्यू तुम पुट करोगे, और क्योंकि हमारे ब्यूटाडाइन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 pi इलेक्ट्रॉन्स, तो एक मतलब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो सिंगल वाले में 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, दूसरा यहां पे आ गया, तीसरा यहां पे आ गया, चौथा यहां पे आ गया, ठीक है। तो पहले एक्साइटेशन की वैल्यू कहां से होगी, एन टू से एन थ्री के बीच में। अगर एन टू से एन थ्री के बीच में रहेगी, तो अगर हम डेल्टा ई निकालें, क्योंकि ए हमारा हम निकाल चुके हैं, इट इज 578 पिकोमीटर, तो इसलिए 10^-12 से मल्टीप्लाई किया है, और थ्री क्योंकि वहां पे ई जो था हमारा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, मेरे एन और एच में ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देता है, 8 mE², ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। तो हमें एच की वैल्यू पता है, इन दोनों का डिफरेंस पता है, 3^-2^(9), 9-4=5, और इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता होता है, इट इज अराउंड 9.0109 × 10^-31 kg, तो इट इज समवेयर अराउंड दिस वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो 4.54 × 10^4 cm-1, ये वैल्यू बहुत ही ज्यादा क्लोज है जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड पीक होती है, विच इज अराउंड 4.61, ठीक है, 10^4 cm-1। तो ये इससे हम पार्टिकल इन ए बॉक्स का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पार्टिकल इन ए बॉक्स के रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि पार्टिकल इन बॉक्स पर कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो क्या इस वीडियो से टेक अवे है, टेक अवे है कि हमने स्क्रोडिंजर इक्वेशंस को ड्राइव करना सीख लिया और फ्री पार्टिकल के बारे में जान लिया, और फ्री पार्टिकल से रिलेटेड हमने ब्यूटाडाइन का एक मॉडल निकाला, वो भी इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन के लिए। कौन से इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, उसके लिए हमने सॉल्व किया, तो हमारी वैल्यूज बहुत क्लोज है। नेक्स्ट वीडियो में और दूसरी कुछ देखेंगे कि फ्री पार्टिकल से रिलेटेड और क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और देखते रहिए।